اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم रब वम बिलखिर व विकनस्ीन या फ़त हूँ रबन महतरम सामीन और सामियात आप सबका इस प्रोग्राम में इस्तबाल हैं अल्लाह रबालबी का शिक्र औरसान है कि उसने हमें इस मुबारक मजलिस में इकट्ठा होने की तोफ़ी अतः फ़रमाई अल्लाह सुबहान ताल से दुआ है कि लावीन तो इस प्रोग्राम में हमारे हाज़री को कबूल फरमा और जो कुछ हम सुने उसे समझने दिल में बैठाने और उस पर अमल करने की तोफ़ी अदा फ़रमा अल्लाह रबी के शुक्र के साथ साथ मैं उन तमाम ज़िम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनद किया अल्लाह रबी उनको जज़ाय ख़ैर अदा फरमाए और उनके इस प्रोग्राम में अखलास पैदा फरमा कर इस प्रोग्राम को लोगों के लिए बख्श बनाए आमीन जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज मेरे कलाम का और मेरी बात का जो अनवान है वो है कबूलियत अमाल की फ़िक्र तो इन शीनवान के तहत चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ अल्लाह रबीन सबसे पहले मुझे उस पर अमल करने की तोफ़ी अदा फरमाए और उसके बाद हम सब को उस पर कारबंद रहने की तोफ़ी अदा फरमाए अल्लाह रबालवीन ने इस दुनिया में हमें पैदा किया है इस दुनिया में पैदाइश का मकसद इबादत है इबादत अल्लाह रबालबीन ने हमारे ऊपर फ़र्ज क्यों की क्योंकि यही इबादत एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से हम नजात हासिल कर सकते हैं कामयाबी हासिल कर सकते हैं अल्लाह रबालबीन ने सूरत नाजिल फरमाई मुख्तसर सी तीन आयतें हैं छोटी सी सूरत है लेकिन बड़े अजीम मानी पर यह सूरत मुश्तमिल है इसी वजह से इमाम शाफ रहा ने फरमाया कि अगर अल्लाह रबी हजत के तौर पर दलील के तौर पर इंसानों के ऊपर इस सूरत के अलावा कोई एक आयत भी नाजिल ना करता तो लोगों की हिदायत, लोगों के ऊपर हजत क़ायम करने के लिए सूरत काफ़ी होती अल्लाह रबी ने छोटी सी सूरत में क्या बयान फ़रमाया ने कहा वसर लफ़ी खसरो अदीन आमन वमिलहत व तो वाहबल व तवा सोबर अल्ला फ़रमाएल असर कसम है ज़माने कीसानफी खसर यकीसान घाटे में है इंसान नुक़सान का सौदा कर रहा है अगर इस दुनिया में इंसान सिर्फ़ दुनियावी ज़िंदगी को ही हमेशगी वाली ज़िंदगी तस्वर करके और दुनियावी ज़िंदगी को ही आखिरी ज़िंदगी तस्वूर करके ज़िंदगी गुजार रहा है तो यकी व खसारे में है यकीन व घाटे में है वो घाटे का सौदा कर रहा है उसका सौदा कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है इन इंसान लफी खुश इस तरह से जो इंसानों की जो अक्सरीत है वो घाटे में है खसारे का खसारे के सौदे में है उसके बाद अल्लाह रबी ने चार सिफात जिक्र की फ़रमाया कि अगर तुम फ़ायदा उठाना चाहते हो कामयाब होना चाहते हो तो अपने अंदर चार सिफ़ात पैदा करो अल्लाह ने फरमाएीन आमनों सबसे पहली सिफत सिवाए उन लोगों के जो ईमान लेकर के आए जो ईमान वाले हैं अल्लाह रबालबी पर उसके रसूलों पर उसकी किताबों पर उसके फरिश्तों पर आखिरत पर तकदीर पर इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो लोग ईमान रखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो लोग खसारे में नहीं होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो लोग लो फ़ायदे में होंगे ये, ये सबसे पहली सिफत है अदीन आमन उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया व आमील सालिहात वो लोग जो नेक अमल करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो लोग कामयाब हैं और वो लोग नजात पाने वाले व तो की व तो सब्र तीसरी और जो तीसरी और चौथी सिफत जो है वो ये कि वो लोग जो हक बात की वसीयत करते हैं दावत और तबलीग का काम करते हैं व तवासऊर और इस राह में आने वाली मुश्किल और परेशानियों पर एक दूसरे को सब्र की तल्न किया करते हैं मेरे भाई और दोस्तों सामीन और सामियात इस छोटी सी सूरत पर आप गौर करें अल्लाह रब्बी ने फरमाया कि अगर आपके अंदर ये चार सिफतें नहीं होंगी आप कामयाब नहीं हो सकते ईमान की सिफत होना ज़रूरी है और ईमान के बाद अमल साल होना ज़रूरी है इस सूरत से हमें ये पता चलता है ये सूरत हमें ये बताती है कि नजात के लिए अमल साल करना ज़रूरी है हम सब नजात चाहते हैं हमारा मकसद नजात हासिल करना हमारा मकसद कामयाबी हासिल करना लेकिन ये नजात कैसे मिलेगी अल्लाह आलमीन ने फरमायामल साले के ज़रिए से कुर करीब में भी अल्लाह نے ने फरमाया कुल्लू वशरबू हनी अम्बिमा कुतुम کہ कहे जन्नति हो खाओ और पियो मज़े کر کے खाओ और پیو क्यों क्योंकि तुम जन्नत में क्योंकि तुम दुनिया के अंदर आमाल किया करते थे जो तुम दुनिया के अंदर मेहनतें किया करते थे उसी मेहनत की वजह से आज ये कामयाबी तुझे तुम्हें मिली है आज इन इस कामयाबी से तुम सरफराज हो रहे हो पता ये चलता है कि नजात के लिए अमल साल करना ज़रूरी है तो सबसे पहले हमें ये मुतय करना है कि हमें अमल साल करना है आज अक्सरियत ऐसी है चाहे उनका अकीदा सही हो या अकीदा सही ना हो सही मनहज पर हो या सही मनहज पर ना हो बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा हो गया है कि हम अमल के बगैर भी कामयाब हैं ईमान काफ़ी है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना काफ़ी है ईमानियात की थोड़ी सी बातों का ईमानियात की थोड़ी सी बातों का हमारे पास इल्म है ये हमारी नजात के लिए काफ़ी है अमल सालेह करने की ज़रूरत नहीं इसी वजह से आप देखें आज हमारी मस्जिदें ख़ाली हैं लोग नमाज़ पढ़ने नहीं आ रहे हैं समझते समझते हैं कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ है हमारा अक़ीदा सही है हम कामयाब हो जाएंगे ये दर हकीकत एक गुमराह एक गुमराह सोच है एक गुमराह फिक्र है एक मुरजिया एक फ़िरका है मुरजिया फ़िरके को गुमराह फ़िरका करार दिया गया उसका अकीदा यही था कि ईमान के लिए अमल ज़रूरी नहीं है ईमान अलग चीज़ है अमल अलग चीज़ है अमल से ईमान पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है उनके ईमान सिर्फ़ कौल का नाम था कि ज़ुबान से आप ये कह दो कि अशदुल्लाशद महमद रसोल्ला बस आपकी निजात के लिए काफ़ी है हैंमाय कराम नेम एगाम ने इसी फ़िक्र की बिना पर उनके इसी अकीदे की बिना पर उनको गुमराह करार दिया और ये मुरजिया की सोच मुरजिया की फ़िक्र आज हमारे लोगों के अंदर शरायत कर गई किसी से आप बोलो कि भी नमाज की पाबंदी किया करो अलहदिल्ला पढ़ने वाले कामयाब हो जाएंगे ये जो सोच है बड़ी गुमराह कन और बहुत ज़्यादा इंसान को जलालत में रखने वाली सोच है तो इस सोच से हमें बचना है इस इस फिक्र से हमें निकलना है और कर्न करीम की ना आयात के ज़रिए से सुर असर के ज़रिए से और मुख्तलि आयात हैं कुरान करीम के अंदर पहले अपने जहन को ये समझाना है कि अगर तुम्हें नजात चाहिए तो तुम्हारे लिए अमल करना ज़रूरी है तो पहले हमें इस पर मुतफ़ होना है कि हमें अमल सानह करना है कबूलीत अमाल की फ़िक्र होनी चाहिए वो कैसे होगी क्यों होगी आ, और महदसिन और सलफ़ का उसके बारे में क्या कहना है वाला मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ लेकिन कबूलीत अमाल से पहले अमल सान करना ज़रूरी है इस चीज़ पर हमें मुतफ़ होना ज़रूरी है तो मेरे भाई और दोस्त अमल के बगैर तो कामयाबी नहीं है जो शख़्स अमल के बगैर कामयाबी तस्वुर करता है और कामयाबी की उम्मीद लगा कर के बैठा है तो फिर वो इंसान अपने ख्वाहिश की पैरवी कर रहा है और ऐसे शख्स को कामयाबी मिलने वाली नहीं है यहूद नसारा का मामला अभी यही था उनके पास ख्वाहिश थीं सिर्फ सिर्फ ख्वाहिशात बस उनको लगता था कि हम जन्नत में जाएंगे हम कुछ करें ना करें हमारा यहूदी होना काफ़ी है हमारे लिए कि हम जन्नत में जाएंगे आज वही सोच बाज मुसलमानों की है कि हम मुसलमान हैं बस हमारा मुसलमान होना हमें जन्नत में लेकर के चला जाएगा मेरे भाई ऐसा नहीं है बल्कि ज़रूरी है अमल साल करना इसी वजह से आप देखें कुरान करीम में जगह जगह पर आपको अमल का हुक्म दिया गया अल्लाह रब ने रबलमिन फरमायादी अमन वब्बोरबकुमफ़ अलखीरा तफल हूँ ऐमान वालों रुकू करो सजदे करो व फ़ालरा तफिल ख़ैर के काम करो तब तुम कामयाब होगे ऐसे कामयाब नहीं हो जाओगे वह फ़ायलैर खैर के काम खैर के काम में हर वो काम आ गया जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होता है हर वो काम जिसका हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है जो शरीयत के मुताबिक जो काम है हर वो काम खैर वफ़ादल खैर के दायरे कार में आ जाता है अल्ला ने क्या फ़रमा लाअली ताकि तुम कामयाब हो कामयाबी इसी पर मुनहसर हैमल पर कामयाबी मुनसर है जज़ा अम्बिमाकुन तुम तमलून अल्ला रब्लबीन जो जजा और सज़ा देगा जहन क़्यामत के दिन लोगों को जो जन्नत में दाखिल किया जाएगा लोगों को जहन्म में दाखिल किया जाएगा वो अमाल की वजह से दाखिल किया जाएगा इसलिए अमल की तरफ फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है और अमल की तरफ तोज्जो देना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है तो मेरे भाई और दोस्तों हमें अमल साल करना है और ये अमल साल हमारी नजात का ज़रिया बन सकती है हमारी कामयाबी का ज़रिया बन सकती है लेकिन यहाँ पर अब हम आ करके अहम बात करेंगे कि अमल साल करने के बाद इंसान को बेफिक्र नहीं हो जाना चाहिए अगर अल्लाह रबालबी ने आपको तोफ़ी दी कि आप पंज वक्ता नमाज़ के पाबंद हैं आप रोज़े रखते हैं आप नवाफिल पढ़ते हैं अल्लाह रबालबी को राज़ी करने की कोशिश करते हैं अल्लाह का तकर्रब हासिल करते हैं तो अब यहाँ पर आपका अमल या आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता है बल्कि दर हकीकत अगर देखा जाए तो असल काम तो यहाँ से शुरू होता है अमल अमल करने के बाद असल काम शुरू होता है क्योंकि अमल आपने कर लिया लेकिन क्या वो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकबूल हुआ या नहीं हुआ इसका इल्म तो हमें नहीं है ये एक पोशीदा इल्म है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस पर मुत्तला नहीं किया हम नमाज़ पढ़ते हैं क्या हमें कोई मैसेज आ जाता है कि आपकी नमाज़ कबूल हुई है हमने रमज़ान मबारक के रोज़े रखे कोई पैग़ाम आया अल्लाह की जानब से कोई ख़्वाब में आकर के बताया कि आपके रोज़े कबूल हो गए अगर ख़्वाब में आकर के बता भी दे तो वो भी तो कोई यकीन इल्म तो नहीं है हो सकता है शैतान आपको आकर के आपके अमाल के ताल्लुक से वहम में मुब्तला करना चाहता हूँ आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट करना चाहता हूँ हो सकता है ये भी हैं बहुत सारे लोग खाबों पर भरोसा कर लेते हैं इन चीज़ों को देख करके तो असल क्या है कि अमल हमारा कबूल हुआ या नहीं ये सिर्फ़ अल्लाह सुबहाना ताल को मालूम इसलिए हमें इस चीज़ की ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत है अल्लाह के रसुल्लु वसल्लम इसी बिना पर किसी भी शख्स को किसी भी शख्स के लिए जन्नत की ज़मानत देने को आप गलत तसवुर किया करते थे अल्लाह के रसूल सल्ला वसल्लम ने जन्नत की जो जमानत दी है वो अल्लाह रबी की जानब से इल्म आने के बाद दी है लेकिन अगर आपके सहाब कराम में से किसी ने बज़ाहिर किसी के अमल को देख के जाहरी अमाल को देख के अगर किसी को जन्नती कहना चाहा या उसका तजकिया करना चाहा तो अल्लाह के रसुल्ह वसलम ने उनको मना किया क्यों मना किया इसी वजह से मना किया क्योंकि अमल मकबूल हुआ या नहीं हुआ इसका इलम अल्लाहाना वाले के पास है यह एक पोशीदा इल्म है मख्फी इल है ये हम में से किसी को भी नहीं मालूम हो सकता एक वाक़ा मैं आपको जिक्र करता हूँ बात ज़्यादा समझ में आएगी सही बुखारी की रवायत है हज़र स्स्मानबिन मदून रदील्ल् अन्हु की जब वफ़ात होती है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम उनके यहाँ गए उनके पास उम्मूल आजूदूद थी रज़ी अल्लाह तहा हतमानबिन मदून रज़ी तु बड़े नक आदमी उनकी नेकीी की लोग कसमें खा खा सकते हैं हत स्स्मान बबिन मदून रजी अल्ल् तन इतने नेक आदमी थे कि उन्होंने अल्लाह रब्लिन की इबादत करने के लिए अपने आप को अपनी ख्वाहिशा को ही ख़त्म करने की कोशिश की अल्लाह के रसूल सल् वसलम से इजाज़त तलब की कि मैं खसी होने की इजाज़त चाहता हूँ खसी होने की मतलब जो इंसान के अंदर जो जिनसी ख्वाहिशात हैं उनहिशात को मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ ताकि मैं अल्लाह रब्लिन की इबादत में लग जाऊँ और अल्लाह रब्दीन की इबादत से मुझे कोई चीज़ फेरने ना पाए यह हदस्मान बिन मजून रदी अल्लाह तह का मामला था अब अगर ऐसे शख्स की वफात होगी तो आम लोगों का क्या हाल होगा उमुल अला रदी अल्लाह तह जब उस्मान बिन मदून नदी अल्लाह तहु की वफ़ात होती है, तो उन्होंने उनके लिए शहादत दे दी क्या कहा उन्होंने कहा कि वल्ल ही लक़द अल्लाह की कसम एस्मान बिन मदून ए अबाब उनकी कुयत से उन्होंने पुकारा था अल्ला रब्लबी ने आपको इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता की लकरमकल्ला रब्लबी ने आपको मुआज़ कर दिया अल्लाह रब्लबी ने आपको मुशरफ कर दिया ये वफात के बाद हज़रत तो उस्मान बिन मजून नदी अल्लाह अन्हु के लिए गोया की एक शहादत थी कि आप जन्नती हैं अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद थे जब उमन अला रदी अल्लाह अन्हा की ये बात नबी अलैहि वसल्लम ने सुनी तो अल्लाह के रसोल सल्ला वसलम ने उनको डांटा और उनको कहा कि आप इस तरह से नहीं कह सकते आपको क्या पता आपको कहाँ से ये इल्म हुआ कि अल्लाह रबी ने उनको मज़्ज़ किया है अल्लाह रबी ने उनको जन्नत ताकि आपको येम कहाँ से हुआ तो उमिला रदी अल्लाह तह ने कहा कि उम्मीला ताल ने कहा कि अल्लाह रसूल अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं यानी कहने का मतलब ये था कि मैंने जाहरी अमाल को देख करके हत षमान बिन मदून रजील्ला तू के लिए शहादत दी अल्ला के रसूल सल्हम ने क्या फरमाया व्ल और खैर अल्लाह के कसम आस्मान बिन मदून रजी अल्लाह तहु के लिए खैर के मामले की उम्मीद में भी रखता हूँ मुझे भी आ, उम्मीद है अल्ला रबालबीन की ज़ात पर यकीन है कि तस्मान बबिन मदून रजील् तै जन्नती हैं लेकिन मामला क्या है मामला ये है कि वाला लम वा रसूल मैफ आलूबी वलाबिकु कि अल्लाह की कसम में रसूल्ला होने के बावजूद भी ये नहीं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या मामला किया जाएगा तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाएगा उमूल रजी अल्लाह तह फ़रमाती हैं कि इस वाक़े के बाद मैंने कसम खा ली कि आज के बाद मैं किसी का तजकिया नहीं करूँगी किसी का तजकिया नहीं करूँगी इसे मुराद क्या है कि मैं किसी को जन्नत की बशारत नहीं दूँगी किसी के लिए जन्नत की ज़मानत का जिक्र मैं नहीं करूँ ये सही बुखारी की रिवायत है इससे इस रिवायत से ये पता चलता है कि आ, किसी के ज़ाहरी अमाल को देख करके हम उसके बारे में ये फ़ैसला करें कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब बंदा है उसके अमाल कबूल किए जा चुके हैं हमारे लिए ये इल्म नहीं है हमारे लिए ये अमल नहीं है और हमारा ये काम भी नहीं अल्लाह व तआला का काम है इसी वजह से इमाम बुखारी रही ने अपनी सही बुखारी में एक बाब कायम किया बाब ला यकूल फ़लान शहीद कि कोई इंसान किसी के बारे में ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ शहीद है हाँ अगर कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि हम उनके लिए शहादत की उम्मीद रखते हैं शहादत की उम्मीद रखते हैं ये अल्फाज हम कह सकते हैं लेकिन शहीद डायरेक्ट कह देना तो ये गोया की ज़मानत है गोया की शहादत है उनके लिए कि इनको अल्लाह रबी ने शहादत का दर्जा इनायत फरमा दिया हालांकि उसका हमें इलम नहीं है तो अमाल हमने किया लेकिन वह अमाल कबूल हुए या नहीं हुए इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहान तिहाा हमें कबूलीत आमाल की ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए अमल हमने कर लिया लेकिन वह अमल अल्लाह रब्लबीन के हम मकबूल है या नहीं इसके बारे में हमारे जहन पर एक फ़िक्र होनी चाहिए और इसके ज़रिए से किए हुए अमाल की हमें हिफाजत करनी चाहिए अल्लाह रबी ने सूरतमिन में सूरतमिन में अहले ईमान की तारीफ़ की फ़रमाया वदीन आता वलूब हम मजलतुल्न अलाबिहीम ईमान वो हैं जो जितना सदक़ा करना रहता है वो सदक़ा कर देते अल्लाह अब्लबीन के राह में जितना भी ख़र्च करना होता है वो अल्लाह की राह में ख़र्च कर देते हैं लेकिन वलूब हम वजिलतनलाबिमराज ख़र्च करने के बावजूद सदक़ात करने के बावजूद इनफाक़ फ़ी सबी के बावजूद उनके दिलों में डर रहता है वह खौफ़ज़दा रहते हैं क्यों खौफज़दा रहते हैं अन्मुम लाला रबिमराज कि उन्होंने उनको अपने रब के पास वापस पलट करके जाना है पता नहीं उनका ये खर्च ला हब्लालबीन के यहाँ काबिल क़बूल है या नहीं वलूब हूँ मजिला उनके दिलों में खौफ होता है ये अहल ईमान होते हैं वह अहल ईमान नहीं है वो सहीत, सही सही मानों में मुसलमान और मोमिन नहीं है, जो अपने अमाल करने के बाद तकबर का शिकार हो जाता, हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमल करते हैं लेकिन उनके यहाँ एक तकबर पाया जाता है उज्ब, गुरूर घमंड कि मैं वो काम करता हूँ और फिर वो उन लोगों को हकीर समझने लग जाते हैं जो उस काम को नहीं करते आप देखो फजर की नमाज फजर की नमाज़ में बहुत कम लोग आते हैं Allah, हमारी हमारे को कबूल फरमाए हमारी इबादत को कबूल फरमाए लेकिन फजर की नमाज में आने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टोह में रहते जासूसी करते हैं कौन आया कौन नहीं आया फ़लाँ आया फ़लाँ नहीं आया और उन लोगों के बारे में बुरे गुमान और उन लोगों के बारे में गीबत करने की कोशिश किया करते ठीक है।, है अगर किसी के बारे में आप ये मालूम हासिल करना चाहते हैं कि वो फजर की नमाज में आया या नहीं आया ताकि उसको समझाया जा सके उसको नसीहत की जा सके ये बात अलग है ये चीज़ जायज़ है लेकिन महज इसलिए कि उसकी ईबत की जाए उसके बारे में बुरा भला सोचा जाए उसको हकीर समझा जाए उसको फासिक करार दिया जाए उसको मुनाफिक कहा जाए महज इन चीज़ों के लिए अगर कोई शख्स किसी के बारे में ख़बरगिरी कर रहा है तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है ये घमंड है कि आपको अल्ला रबी ने अगर तौफीक दे दी तो आप घमंड का शिकार हो गए तो ये चीज़ें आमाल को बर्बाद कर देती तो इसलिए हमें ऐसे लोगों में से नहीं होना उन अहले ईमान में से होना है जो अमल करने के बावजूद भी खौफजदा रहते हैं सुन इबन माजा और सुनन तिरमिदी में रिवायत है, हज़रत हैज़रत इशर अन्हा ने इस आयत की तफसीर अल्ला के रसूल सल्ला वसम से पूछी जब यह आयत यायत हताशा रदील्ला तह ने पढ़ी कि मोमिन ऐसे होते हैं या लोग ऐसे होते हैं कि आ, आ, आमाल करने के बावजूद सदक़ात करने के बावजूद उनके दिलों में खौफ होता है उनके दिलों में एक डर होता है कि उन्हें अपने रब की तरफ पलट करके जाना है तो हताशा रजी अल्लाह तह ने अल्लाह के रसूल सल्ला व्लम से पूछा या रसूल अल्लाह रसूल्ला अहमदीशरबून रवयसरक़ून क्या ये उन लोगों के बारे में बात कही गई है जो शराब पीते हैं जो चोरी करते हैं जो ज़िना करते हैं जो और हरामकारियाँ करते हैं क्या उनके बारे में बात कही गई है कि वो डरते रहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसुल्ल या फ़रमाबिल्ला याबिन ऐ एसद्दीक़ की बेटी ऐसी बात नहीं है व व यासूमून व वय यखाफून अल्ला ख़ाफ़ून मिनहुम बल्कि ये बात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई है कि वलूब हम मजरा उनके दिलों में खौफ होता है ये उन लोगों के बारे में है जो रोज़े भी रखते हैं जो नमाजें भी पढ़ते हैं जो सदका भी करते हैं और इन तमाम अमाल के बावजूद उनके दिलों के अंदर खौफ होता है कि उनका यह अमल अल्लाह रबीन के यहाँ मकबूल हुआ या नहीं हुआ अल्लाह अबालबी ने क्या फरमाया ऐसे लोगों के बारे में फिल खैरात वहम लहा सबुन यही दर हकीकत वो लोग हैं जो ख़ैर के कामों में कम्पटिशन कर रहे हैं ख़ैर के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वह हम लहा सबुन और यही बिल्कुल सबकुन अवलू में से हैं यही लोग अगली सफ़ों में रहने वाले लोगों में से तो मेरे भाई हमें इन ऐसे लोगों में से बनना है कबूलियत आमाल की फ़िक्र आप देखें अल्लाह रबॉबी ने मुख्तलिफ अम्बिया कराम का जिक्र किया उनको भी अपने अमाल की कबूलीत की फ़िक्र होती थी हालाँकि अम्बिया के अमाल व रियाकारी से पाक होते हैं मुनाफकत से पाक होते हैं हर उस चीज़ से पाक होते हैं जो अमल को बर्बाद करने वाली चीज़ होती लेकिन अम्बिया कराम को भी अमाल की कबूलीत की फ़िक्र हुआ करती थी هات إبراهيم عليه السلام کا الله رب العالمين نے ذکر کیا سورة میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جب إبراهيم عليه السلام اور هات إسماعيل عليه السلام خانہ کعبہ بنيادك بنیاد کو بلند کر کی تعمير تھے خانہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ إنك کی زبانوں

उसको क्या चीज़ किस चीज़ की फ़िक्र लाख है कि आया ये हमारा अमल अल्लाह रबालबीन के हाँ मकबूल होगा या नहीं होगा और वो दुआ करें रब बना तकब्बल मन्ना हमारे रब तो हमारे इस अमल को कबूल फरमा इन न का अन तस्मियों क्युं? क्यों क्योंकि तू सुनने वाला और जानने वाला जबराम को अपने कबूलियत अमाल की फ़िक्र है तो हमारे और आपके अमाल की क्या हैसियत है सियत? हमारे और आपके अमाल जो कि रियाकारी से भी पाक नहीं होते हमारे और आपके अमाल में वो चीज़ें भी शामिल होती हैं जो अमाल को बर्बाद कर देने वाली होती हमें कितनी ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत है सुर इब्राहिम में भी अल्लाह रबी ने हतब्राहीम की दुआ जिक्र की फरमाया कि हतब्राहीम ने दुआ की कि रब जाली मुकीम सला थी व मंदुर्रिय थी व तब्बल दुआ कि रब हमें नमाज क़ायम करने वाला बना ये जे अलम़ीमती वमिन ज़रूरी और हमारी ज़र्रियत को भी नमाज़ क़ायम कर वाला बना वह तक कब्बल दुआ और हमारी दुआ को कबूल फ़रमा यानी जो हम दुआ कर रहे हैं दुआ भी एक नेकमल है ये जो हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह रबी इस दुआ को भी तो शरफ़ कबूलीत अता फ़रमा यानी दुआ करने के बाद कबूलीत दुआ के लिए भी सलाम दुआ कर रहे हैं ये ये असल नेक लोगों की पहचान है ये उन लोगों की पहचान है जिनका हशर अम्बिया सद्दीक शुहदा शानहन के साथ होगा कि वो अमल करने के बाद घमंड के शिकार नहीं होते अमल करने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं आ जाता बल्कि अमल करने के बाद ज़्यादा फ़िक्र लाइक होती है ज़्यादा वो अल्ला रबी के यहाँ तजर और आजजी करते हुए नज़र आते रबनावत कबल दुआ अल्लाह रब्लिन से कबूलीत दुआ के लिए दुआ करते हुए नज़र आ रहे हैं हत इब्राहिम सलाम हमारे नबी जनाबी महमद का भी मामला ऐसा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कबूलियत आमाल के लिए दुआ करते थे कुर्बानी की जो दुआ जिक्र की जाती है सही मुस्लिम में रिवायत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्ह वसलम क्या पढ़ करके अपनी कुर्बानी को कुर्बान किया अल्लाम कब्बल मिन्नी वो मिन अहली बई थी कि एल्ला जा रबालबी तो इस अमल तो को तो तो इस कुर्बानी को कबूल फरमा मेरी जानिब से मेरे घर वालों की जानिब से वो मिन उम्म महम्मद और उम्म महम्मदिया की जानिब से अल्लाह के रसूल सल्ह वसलम ने अपनी कुर्बानी की कबूलियत के लिए दुआ की तो अम्बिया कराम का ये तरीक़ा है अम्बिया कराम का मनहज और उनका ये उसलूब है कि वह अमल करने के बाद कबूलियतल के लिए दुआ किया करते हैं वह घमंड के शिकार नहीं होते उनके अंदर ये आ, ये चीज़ पैदा नहीं होती कि अब हमने अमल कर लिया अब हम ही कामयाब हैं अब हम ही अल्लाह आलमीन के यहाँ सुरखुरु हैं सुरखुरु हैं हम ही निजात पाने वाले हैं ये फ़िक्र उनको लाइक नहीं होती है बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रबीन की तरफ़ तजर और आजजी करने वाले नज़र आते हैं मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की तरबियत में पले बढ़े साहब कराम का भी यही मामूल था मैं ये सारी मिसालें आपको इसलिए दे रहा हूँ कि देखें हम इन्हीं जैसा होने की कोशिश करते हैं अम्बिया कराम के जैसा होने की कोशिश करते हैं अपने नबी जनाब महम्मदरसोल्ला सल्ला वसम के जैसा होने की कोशिश करते हैं सहाब कराम की रविश पर और उनके तरीक़े पर चलने की कोशिश करते हैं

के हादत बिनुमर रदी तुम्न के दरवाज़े पर एक साइल आया कुछ मांगने के लिए आया अब बिनुमर रदी तुमा ने अपने बेटे को कहा कि आप फ़ला चीज़ उनको जा करके दे दो तो जब अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तुमा ने वो सामान उठा करके अपने बेटे को दिया तो उनके बेटे ने अपने बाप के लिए दुआ की और उनको दुआ दी कि तकब्बल अल्लाह रब्लिन आपका यह अमल कबूल फ़रमाए अल्लाह रब्लावीन आपकी इस नेकी को अल्लाह आपके इस सदक़े को कबूल फरमाए हतब्दुल्ला बिनर तुमा ने जब ये बात सुनी तो अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि वाकई ये एक अहम बात है यानि आमाल का कबूल होना ये एक बड़, बहुत बड़ी चीज़ है और वहाँ पर अब्दुल्ला बिन उमर तुमा ने कहा कि काश कि मुझे पता चल जाता कि मेरी एक वक्त की नमाज भी कबूल हो गई यानी अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे एक वक्त की भी नमाज़ अल्लाह रबिर ने कबूल कर ली तो वो मेरे लिए दुनिया और माफिया से बेहतर है क्यों उन्होंने दलील भी दी फरमाया कि इन नमा तक कब्बल मम्तकी अल्ला रब्बी ने कुर करीम में साफ़ फरमा दिया है कि अल्ला रबी मतकी के अमल को कबूल करता है तो अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी एक नमाज भी अल्लाह रबी ने कबूल कर ली तो इसका मतलब कि मैं मुतकीियों में से हूँ और अगर मैं मुतकी हूँ तो मेरे लिए जन्त तय है अब्दुलबिनुमर रदील्ला तुमा की फ़िक्र की एक नमाज़ भी कबूल हो जाए हम देखें हम आमल करने के बाद हमारा मामला क्या होता है हतली रजी अल्लाह फरमाते हैं कनूली कबूल आमल अशदाम बिलकुम बिनकुम बिल लोगों लोगोंमाल की कबूलीत की तुम्हें ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए अमाल के करने से जो अमल हम कर रहे हैं قص عمالك كارنيس زاده اهميه زاده تفجر زاده فكره ميكس هوني شايه قبولي يتعمل هوني شايه هذا رضي الله تعالى عنه النبي وهي دا ليلي فرمايا لم تسمع الله يقول انما يتقبل الله من المتقين كي تمنا الله رب العالمين فرمايا انما يتقبل الله من المتقين الله رب العالمين سيرف اور سيرف متقين كي عبادتك وقبول तो रतली रल् तु ने हम सब को कहा कि तुम्हें कबूलियत अमाल की ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिए मेरे भाई और दोस्तों सामीन और सामियात अभी रमज़ानमबारक का महीना गुजरा है हमने रोज़े रखे हमने तरावी की नमाज़ पढ़ी हमने क़ुर करीम की तलावत कसरत से की हमने नवाफिल भी पढ़े हमने सदक़ात भी किए जकवात भी निकाले बहुत सारा अमाल बहुत सारे अमाल हमने इस रमज़ानमबारक के महीने में किए अब हमारा मामला क्या होना चाहिए रमजान रमज़ानमारक के बाद कि हमें उन अमाल की कबूलीत की फ़िक्र होनी चाहिए सलफ़ के बारे में ये आता है कि सलफ़ रमजान से छ महीने पहले रमज़ान तक पहुँचने के लिए दुआ किया करते थे कि अल्लाह अल्लाबल रमदान के अल्ला, अल्ला रबालबिन तो हमें रमज़ान तक पहुँचा हम रमज़ान तक सेहत और आफ़ियत के साथ पहुँचे ताकि रमजान मुबारक में हम कसरत से अमल कर सकें और जब ये रमजान मुबारक का महीना आता था ख़ूब मेहनत करते थे खूब इबादत करते थे ख़ूब मशक्क़त के साथ लाब लालबी का तकरब हासिल करने की कोशिश करते थे फिर जब रमजान मुबारक का महीना चला जाता था अगले छः महीने तक रमज़ान में की गई इबादतों की कबूलीत के लिए अल्लाह रबालबीन से दुआ किया करते थे आज मामला इसके बिल्कुल बरअकस है हमने सलफ़ का रास्ता छोड़ दिया है हम मनहज शलफ़ की बात तो करते हैं लेकिन सलफ़ के मनहज की कोई बात हमारी ज़िंदगी के अंदर नज़र नहीं आती आज आप देखें कि रमज़ान से पहले भी हमारी वो कैफियत नहीं होती हमें ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती ज़्यादा अहतमाम हमारे यहाँ बाकी नहीं बचा है रमज़ान मुबारक को लेकर के इसी वजह से जब रमज़ान मुबारक आता है वो भी आम महीनों की तरह से गुजर जाता है हमारे शेड्यूल में फ़र्क़ नहीं आता हमारी दुनियावी मशगूलियात में फ़र्क़ नहीं आता बल्कि अफसोस की बात यह है कि रमज़ानमबारक में बाज़ लोगों के यहाँ फजूल काम ज़्यादा हो जाता दुनियावी मशगूलियात ज़्यादा हो जाती उखरवी मशगूलियात को छोड़ करके तो हमारे यहाँ रमज़ानुबारक का अहतमाम नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हम उसके आने के पहले भी हम उसके लिए फ़िक्रमंद नहीं होते उसके जाने के बाद भी हम उसके लिए फ़िक्रमंद नहीं होते आने से पहले वहाँ तक पहुँचने की दुआ करना चाहिए ये सलफ़ का तरीक़ा है उसके जाने के बाद जो अमाल किए गए उनके कबूलियत के लिए अल्लाह रब्लिन से दुआ करना चाहिए ये हमारे लिए असल काम है और ये सलफ़ सारह के तरीके पर चलना है तो मेरे भाई और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमें और आपको ये बात समझ में आई होगी कि किबूलीत अमाल की फ़िक्र हमें किस कदर करनी आइए हम ये देखते हैं कि हम कबूलीत आमाल के लिए फ़िक्र कैसे कर सकते हैं कबूलियत अमाल के लिए फ़िक्र करना है सोचना है लेकिन उसके लिए हमें अमाल क्या अंजाम देना हमें काम क्या करना है तो कबूलीत आमाल के लिए देखें जो अमाल करने हैं हमें जो फ़िक्र हमें करनी है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं एक अमल करने से पहले हमें फ़िक्र करनी है और दूसरा अमल करने के बाद हमें फिक्र करनी आमल करने से पहले क्या देखना है? अमल करने से पहले हमें दो चीज़ें बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है सबसे पहले अखलास और फिर नबी अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबा हम जो अमल करने जा रहे हैं वो ये हमें यकीन कर लेना है कि वो अमल सुन्नत है या नहीं है वह अमल ऐसा है या नहीं है कि अल्लाह रब्लबी की रजामंदी उससे हासिल हो वो अमल ऐसा है या नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम ने उसको इबादत करार दिया हो यानी सुन्नत की मुताबात हदीस की पैरवी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हमारी इबादत होना ज़रूरी है अल्लाह के रसूल सल्ल् वसलम ने फरमाया मन अहद सफ़ी अमरीना हादा मदद हुफ़रत कि जो शख़्स इस दीन में कोई ऐसा अमल ईजाद करता है जिसका ताल्लुक हमारे दीन से नहीं है फोारद तो उसका यह अमल मरदूद है हमारा हमारे अमल रद्द ना किए जाएँ उसके लिए हमें क्या देखना है कि हमारा अमल सुन्नत के मुताबिक है या नहीं और सुन्नत के मुताबिक अगर हमारे लिए अमल साबित हो जाए फिर उसके बाद हमें उस पर अमल करना ज़रूरी हो जाता है तो सुन्नत की मुताबकत सुन्नत की मवाफ़त ज़रूरी है किसी भी अमल के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बात हो बात भी सही हो हदीस भी सही हो तब जाकर के कोई चीज़ इबादत बनती हैं आज हमारे यहाँ आप देखें लोग इस बात की फ़िक्र नहीं करते कि उनका अमल अल्लाह आलमीन के यहाँ मकबूल है या नहीं है उनका अमल अल्लाह आलमीन को राज़ी करने वाला है या नहीं है जो भी चीज़ें बता दी गई लोग उसके ऊपर आँख बंद करके अमल करने लग जाते हैं ये किन लोगों का तरीक़ा है ये नसारा का तरीक़ा ईसाइयों का तरीक़ा है ईसाइयों को जो अल्लाह रब्लबीन ने सर फातहा में गुमराह करार दिया है उनकी जो मजम्मत बयान की गई है उसके जहाँ बहुत सारे इसबाब हैं वहीं एक सबब ये भी है कि ईसाइयों के अंदर इबादत का जज्बा बहुत ज़्यादा था कोई कुछ भी आकर के बता देता था वौर उस काम को करने लग जाते थे अल्लाह रबिला को खुश करने के लिए यह नहीं देखते थे कि इस काम को करने का हुक्म हमारे नबी ने दिया है या नहीं दिया वो इस बात की फिक्र नहीं करते कोई भी अमल किसी की जहनी उपज हो किसी के जहन में भी आया हुआ अमल हो बस वो अमल बता दिया गया कि ये अमल करना है और वो अमल करने लग जाया करते थे आप मिसाल के तौर तो पर रहबानियत आप देख लो रहबानियत यानी सोशल लाइफ से इंसान अपने आप को हटा ले कहीं बाहर जंगलों में जा कर के पहाड़ों में जा कर के ज़िंदगी गुजारे न लोगों से मुलाकात करें न लोगों के साथ मिल मिल करके उनकी असलाह का काम करने की कोशिश करें बस अपनी फ़िक्र अल्लाह रबी की इबादत करना है नमाज़ें पढ़ना है रोज़े रखना अपने आप को अमल अपने आप को अलग कर ले ये रहबानियत जो है ये रहबानियत क्या अल्लाह रबीन रब ने उनके ऊपर फ़र्ज़ की थी क्या उनके नबी ने उनको इस बात की तलकिन की थी इस बात का हुक्म दिया था कि आप लोग रहबानियत इख्तियार करो ऐसा नहीं है उन्होंने रहबानीत को अपनी तरफ़ से ईजाद कर लिया था वहबानी यह इबतदू

अपनी तरफ़ से ईजाद किया तो ईसाइयों का ये मामला था आज बहुत सारे लोग इसी तर्ज पर हमारे यहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं कोई भी शख्स कितना भी पढ़ा लिखा हो ये नहीं देखते हैं कि वह आलिम है या नहीं है कोई भी अमल बता देता है कि आपको यह अमल करना है इतने बार करना है इस वक्त करना है वह इंसान उस अमल में लग जाता है तो ये अमल हमारे लिए सही नहीं है हमें अगर अपने अमाल की कबूलीत अल्लाहबी के यहाँ चाहिए तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा अमल नबी अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक है या नहीं अगर है तो वो इबादत है नहीं है तो वो बिदात है और उससे इजनाब करना है ये सबसे पहली चीज़ देखना है दूसरी चीज़ अखलास अमल हम कर रहे हैं इबातत हम कर रहे हैं लेकिन हम अमल किसके लिए कर रहे हैं अल्लाह रबीन को राजी करने के लिए अल्लाह को खुश करने के लिए अगर ये मकसद है अगर ये नीयत है तो अल्लाह रब्लिन के यहाँ वो अमल मकबूल होगा इन मान आमल उबिन नहींत आम का मदार वार पर है अगर अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपने वो अमल के नमाज आप पढ़ते हैं किस लिए पढ़ते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाबिन राज़ी होगा अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह रबालबीन खुश होगा अल्लाह रबी के अजर ववाब हासिल करने के लिए इन श्लाजर ववाब भी मिलेगा लेकिन अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं लोगों को दिखाने के लिए आप नमाजी कहलाने के लिए लोगों के दरम्यान अपना रुक जमाने के लिए तो फिर अल्लाह रब्लिन ने वाजे कर दिया नबी सल्लम ने भी वाज़ कर दिया इन नवन आमाल बिन नीत आमाल दारो मदार नीत पर हैं अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम से कई बार पूछा गया एक बार पूछा गया कि आ, जो मुजाहिद है वो हकीकी मुजाहिद कौन है क्या हकीकी मुजाहिद वो है जो अपनी कौम के लिए लड़ता है क्या हकीकी मुजाहिद वो है जो इसलिए लड़ता है ताकि उसको लोग बहादुर तस्वर करें उसको मज़बूत तस्वूर करें ताकत और क़ुत वाला तस्वूर करें अल्लाह के रसूल सल्हु वसलम फ़रमाया कि जो अल्लाह रब्लम को राज़ी करने के लिए अल्लाह के रास्ते में आ, लड़ता है वो असल मुजाहिद वो असल आ, वो असल अमल करने वाला अल्लाह ने फरमाया वमा उमिर अबूल मखलसिनुद्दीनफ़ा व्यू़ीम्सावली कादीन अक्यमा कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ़ इस बात का हुक्म दिया गया है कि वो खालस अल्लाह रब्लबीन के इबादत कर इबादत में अखलास हो इस चीज़ का लोगों को हुक्म दिया गया तमाम चीज़ों से कट करके जो भी चीज़ें अल्लाह रबालबीन के अलावा जो भी चीज़ें इंसान के जहन में आ सकती हैं किसी भी अमल के करते वक्त उन, उन तमाम चीज़ों को सैड करके ख़ालसूँ होकर के अल्लाह रब्लबी की खुशनुदी के लिए अल्लाह रब्लाबीन को राज़ी करने के लिए जो इबादत की जाए इसी इबादत का हमें हुक्म दिया गया है अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम ने इसी वजह से इसी वजह से रियाकारी की मजम्मत बयान की क्योंकि रियाकारी अगर कोई इंसान लोगों को दिखाने के लिए लोगों के पास अपना बेहतरीन तस्करा करवाने के लिए अगर कोई अमल कर रहा है तो उसका यहमल अल्लाह रब्लबीन के यहाँ मरदूद है अल्लाह रब्लबी उसके इस अमल से बरी है अल्लाह के अल्ला रब्बुल आलमीन ने ख़ु फरमाए हदीसी कुदसी में तरक्त हो व शिर हो मैं उसको भी छोड़ देता हूँ और उसके शिर्क को भी छोड़ देता हूँ मुझे ऐसे अमल की ज़रूरत नहीं है और बल्कि उसको मुशरिक करार दिया गया कि जो शख़्स अमल करता है इस वजह से लोगों को दिखाए लोगों के साथ लोगों के सामने अपना अच्छा तस्करा करवाएं अल्लाह रब्लिन ने फरमाया कि वो शिरक कर रहा है वो शिरक करने वाला है इसको शिरक खफ़ी कहा जाता है इसको शिरक असगर कहा जाता है तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अमल करने से पहले ये बात यकीन कर लें इस बात पर यकीन कर लें कि ये अमल जो है वह अमल अल्लाह रबी के लिए किया जा रहा है खाल सत खास खालिस अल्लाह रब्लिन के रजामंदी के लिए किसी और शख़्स के रजामंदी किसी और शख्स का खुश होना किसी और शख्स के पास अपनी तारीफ करवाना ये हमारे मकसद में नहीं है ये हमारे इरादे में नहीं तो ये चीज़ हमें सबसे पहले अपने आप को समझाना है और अपनी नीयत को खालिस करना है अमल करने के बाद क्या चीज़ें ज़रूरी हैंमल को बचाने के लिए अमल करने के बाद सबसे बड़ी यह चीज़ कि इंसान को तकबर का शिकार नहीं होना चाहिए अगर अमल करने के बाद आपके अंदर तकबुर आ गया तो इसका मतलब कि आपका जो अमल है वो अल्ला रब्बीन के यहाँ मकबूल नहीं है आपका अमल अल्लाह रब्लिन के यहाँ मरदूद हो रहा है तो अमल करने के बाद सबसे पहले तकबर से पाक होना बल्कि अमल करने के बाद ज़्यादा तजर और ज़्यादा आजिज़ी इंसान के अंदर आ जानी चाहिए जैसा कि आयात के जरिए से इससे पहले बात हुई कि अहिल ईमान का तकाजा क्या है अह ईमान की सिफत क्या है कि वह अमल करने के बाद वो ज़्यादा खौफ जदा होते हैं उनको ज़्यादा खौफ लाइक होता है कि पता नहीं उनका अमल अल्लाह रबीन रब के यहाँ कबूल हुआ या नहीं हुआ इसी तरह से अमल करने के बाद अगर अमल ऐसा है जिसके ज़रिए से हमने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया मिसाल के तौर पर सदक़ा है ज़क़त है इनफाक़ फ़ी सबी है तो अमल करने के बाद उस अमल को महफूज रखने के लिए हमें एहसान जतलाने से बचना है अल्लाह रबी ने फरमायादी अमन तुबिल कम बिलमी व अ ईमान वालों अपने सदक़ को अपने अल्लाह के राह में ख़र्च किए हुए हुएमाल को पैसों को तुम बातिल मत करो बर्बाद मत करो दो चीज़ों के ज़रिए से बिलमनी वल अदा एहसान जतला करके और तकलीफ़ दे एहसान जतलाना यानी अगर आपने किसी के ऊपर सदका किया किसी ने आपको किसी को आपने जकवात की रकम दी फिर उसके बाद एहसान जतलाते हैं उसके पास कि मैंने तुमको ये दिया मैंने तुम्हें ये दिया तो अगर आपने एहसान जतलाया या उस या उसके उसके सामने जतलाया किसी और के सामने उसके बारे में बताया आपने कि मैंने उसके साथ ऐसा किया है मैं उसको इतना देता हूँ मैं उसके ऊपर इतना ख़र्च करता हूँ अगर आपने ख़र्च करने के बाद एहसान जतला दिया तो आपका अमल बर्बाद हो गया अल्लाह रब्लबी के यहाँ अब उस ख़र्च पर आपको कोई स्वाब और कोई अजर मिलने वाला नहीं वला इसी तरह से अल्लाह रब्लबीन ने फरमाया कि अपने सदक़ात को सदका जिस पर तुमने किया उसको तकलीफ़ दे करके बर्बाद मत करूँ ऐसा भी होता है लोग बहुत सारे सदक़ात करते हैं लोग खर्च करते हैं नफली सदक़ात भी करते हैं वाजबी सदक़ात भी करते हैं लोगों को दे दिया लेकिन लोगों के ऊपर खर्च करने के बाद उनको तकलीफ देना शुरू करते या तो बातों के जरिए से या फिर जिस्मानी तौर पर कभी उनको मारते हैं उनको हकीर समझते हैं कभी भी उनके जहन में जो भी आया वो बोल देते हैं वो समझते हैं कि मेरा इसके ऊपर हक़ है मैं इसको बोल सकता हूँ मैं उसको डांट सकता हूँ मैं इसको मार सकता हूँ अगर ये सोच आपके अंदर है तो फिर आपके खर्च का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो भी हमारे अमाल अमार को बर्बाद करती हैं उन तमाम अमाल से अपने आप की हिफाजत करना ज़रूरी है इसी तरह से कबूलियत अमाल के बाद अमाल की कबूलीत के लिए जो हमें फ़िक्र करनी वो इस नाही से भी करनी है कि हम अमल करने के बाद और ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें क्योंकि अगर आप ए, एक अमल करने के बाद एक नेक अमल करने के बाद आप दूसरा नेक अमल करना चाह रहे हैं और दूसरे नेक अमल की तरफ आपका नफ्स जा रहा है आपको ख़्वाहिश हो रही है इसका मतलब कि पुराना वाला जो अमल है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल क़बूल है अल्लाह ने फरमाया वई अख्तरफ हसनता नजीद लहूफी हैं हसना कि जो शख्स नेकी करता है हम उसकी नेकियों में और इजाफ़ा करते हैं यानी वो और ज़्यादा नेकियों की तरफ आगे बढ़ता है अला तैमिया रही ने फरमाया कि आमल की कबूलियत की एक निशानी ये है कि इंसान और अमाल की तरफ तवज्जो करे अगर आपने अमल किया और फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया आप कोई अमल नहीं करते इसका मतलब कि वह अमल अल्लाह अल्लाहबीन के यहाँ मकबूल नहीं हुआ क्योंकि अगर अमल कबूल होगा तो एक शौक़ पैदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने का और यहाँ पर आकर के हमें गौर करना चाहिए कि रमजान मुबारक के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी हो रही रमजान मुबारक में हमने अमल किया है हमने नवाफिल भी पढ़े हैं हमने क़ुर करीम की तलावत भी की है हमने फ़र्द नमाज़ों की पाबंदी भी की है हमने सदक़ा भी किए हैं क्या यही चीज़ें रमजान मुबारक के बाद भी बाकी हैं ठीक है रमज़ान जैसा माहौल तो नहीं बन सकता है लेकिन क्या अभी भी हम फ़रज़ की पाबंदी करते हैं क्या अभी भी हम पंज वक़ा नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं क्या अभी भी हम कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं थोड़ा ही क्यों ना हो अगर हमने रमज़ान मुबारक के बाद इन चीज़ों को बिल्कुल लिया छोड़ दिया पंज वक़ा नमाजों की पाबंदी भी छोड़ दी कुरान करीम को उठाना छोड़ दिया तो इसका मतलब कि रमज़ान मुबारक में जो किया हुआ हमारा अमल था वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकबूल नहीं हुआ क्योंकि अगर वह क्योंकि वह अमल कबूल होता तो रोज़े के मकसद में से क्या है नाअलकूम तत्तूँ ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर तकवा पैदा हो तो आपको तो मुतकी हो जाना चाहिए था आपके वाजिबात और फरज़ तो नहीं छूटने चाहिए तो दर हकीकत आपका रोज़ा मकबूल नहीं हुआ जिसकी वजह से आपके दिल के अंदर तकवा नहीं आया तकवा नहीं आया तो ये वाजिबात और ये फरज़ आपसे नहीं हो रहे इन पर पाबंदी आपसे नहीं हो रही तो ये भी ऐसी चीज़ है कि हमें फ़िक्र करना चाहिए कि हो सकता है ये चीज़ें हमारे अमाल को ज़ाय करने वाली इसलिए हमेशा इंसान की ज़िंदगी एक मोमिन की ज़िंदगी हमेशा इबादत पर ही रहती है अल्लाह ने क्या फरमावा अबोदरबक हत्या का यकीन अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए मौत तक हमें इबादत करना है इबादत के लिए कोई खास महीना नहीं होता इबादत के लिए कोई खास जगह नहीं होती इबादत हर जगह है मक्का में ठीक है इबादत अफजल है मक्का में इंसान को इबादत का माहौल मिलता है लेकिन आपको वही इबादत हिंदुस्तान में भी करनी है इबादत से आप कहीं भी बरी नहीं हैं इबादत से आप कहीं भी भीदा नहीं आपको हर जगह इबादत करनी इसी तरह से इबादत के लिए कोई खास वक्त नहीं है कि रमज़ान में ही अल्लाह रब्लिन को खुश करना है। उसके अलावा कुफ्र करना अल्लाह रब्लिन के साथ ये चीज़ें सही नहीं बल्कि हमेशा मौत तक इंसान जब तक इंसान की ज़िंदगी है जब तक उसको अल्लाह रबीन की इबादत करनी है वह अबूरब का हत्या यकीन तो इन चीज़ों के ज़रिए से हम अपने अमाल की कबूलीत की फ़िक्र कर सकते हैं और ये अपने आप को समझा सकते हैं कि अल्लाह रबी के यहाँ हमारे अमाल मकबूल हुए या नहीं हुए तो हमें चाहिए कि हम अपने अमाल की कबूलीत की फ़िक्र करें मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ इसतवा के साथ कि अल्लाह रब्लबीन हमारे तमाम अमाल में खिलासा पैदा फरमा हमारे तमाम अमाल को शरफ़ कबूलीत फरमा अच्छा। तो 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 इलामी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक करने की तोफ़ी अदा फरमा इलामीन तो हमें इबादत पर पाबंदी से अमल करने की तोफ़ी अदा फरमा इलामीन तो हमें वक़्त नमाज़ों की पाबंदी करने की तोफ़ी अदा फरमा इलामीन तो हमें आमल करने के बाद आमाल की कबूलियत की फ़िक्र करने की तोफ़ी अदा फरमा अला हमें रियाकारी से महफूज फरमा हमें हर तरह के शिरक और कुफर से और हर तरह के नफ़ाक और फस्म से महफूज़ फरमा अला तो हम सब की हफ़ारत फरमा और हम सबको जन्नत में दा ما. امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين